लेके लो, हमको बीच में चलने दो, आनंद आ जाएगा। आप जाइए आनंद लीजिए, हमको यहीं से आनंद आ रहा है। नहीं नहीं अभी खाली नहीं आए, सुविधा के लिए आओ, आओ घुसते आओ। बहुत भीड़ है उधर। जय जगन्नाथ। मेरे ऊपर डाल दीजिए थोड़ा। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, बलभद्र जी की रथ आगे निकल चुकी है और अब इंतजार है सुभद्रा महारानी के रथ के निकलने की। देख सकते हैं मौसम किस तरह से बदल चुका है, धूप कम हो गई है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रथ के आसपास जाने जैसा नहीं होता है, इतनी खतरनाक भीड़ होती है। अगर आपको कभी भगवान के रथ की रस्सी खींचने का सौभाग्य मिलता है तो मैं कहूंगी कि आपसे बड़ा सौभाग्यशाली इस पूरे पृथ्वी पर कोई नहीं होगा। तो जब भी मौका मिले इस मौके को छोड़िएगा मत। और दूर से भी दृश्य बेहद खूबसूरत नजर आता है। बताइए क्या स्थिति है यहाँ की? बलभद्र जी आगे निकल गए हैं और अभी सुभद्रा महारानी के रथ के जो घोड़े हैं वो रेडी हो रहे हैं और जगन्नाथ जी के भी घोड़े रेडी हो रहे हैं और पुरी के जो राजा है करके सेवा करके करके निकले हैं और अभी बलदेव जी आगे गए हैं, फिर सुभद्रा मैया बीच में रहेंगी, पीछे से चलेंगे अपने प्यारे भगवान जगन्नाथ जी, दोनों भाई अपनी बहन सुभद्रा को प्रोटेक्ट करते हुए एक आगे से और एक पीछे से लेकर चलेंगे रथ पे। तो बलराम जी की जो रथ है वो निकल चुकी है सबसे पहले और उनकी रथ जो है वो रुकी नहीं रही है, बहुत स्पीड में आगे भाग रही है। तो यहाँ ये भक्त कह रहे हैं कि उन्हें अपने घर जाने की बहुत जल्दी है। तो वो यहाँ से रुकी नहीं रहे, फटाफट भाग रहे हैं। और एक्चुअली धूप भी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो शायद ये भी एक कारण हो सकता है क्योंकि उनके भक्त भी यहाँ धूप में घूम रहे हैं, तो उनको तकलीफ ना हो शायद इसलिए बलराम जी जल्दी जल्दी आगे चल रहे हैं। दकील चंदन पूरे, दकील चंदन पूरे, कलियारे कलियारे, दकील चंदन पूरे, नंदी घुसोतर निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र शोत्राद्यम जगन्नाथाय ते नमः। जगन्नाथ जगन्नाथ स्वामी नय प्रगामी भवत्। जय श्री जगन्नाथ नाम की जय। वर्षा का नाम नहीं है यहाँ।